हेलो स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट टेंथ क्लास में हैं, जिसमें टेंथ क्लास में अपना साइन कोस टेन जो भी आता है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, उसका वैल्यू सबका अलग अलग होता है। जैसे साइन जीरो से लेकर के साइन नब्बे तक का वैल्यू याद करना पड़ता है, और ये याद रखना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो एग्ज़ाम में हम इसको कैसे आसानी से लिख सकते हैं और सभी आंसर का इस तरह का क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, तो हम सबका वैल्यू निकालना आज बताएंगे एक ट्रिक के द्वारा। इसको कैसे निकालते हैं, 2 से 3 मिनट में हम निकाल लेंगे एग्जाम में, और उसी के हेल्प से इस तरह का सारी क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। जैसे कि हम लिख लेते हैं साइन थीटा, इसका 0 डिग्री 30 डिग्री होता है, 45 डिग्री होता है, 60 डिग्री होता है और 90 डिग्री होता है। तो अब इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, साइन 0 का, साइन 30 का, साइन 45 का, साइन 60 का और साइन 90 का, कॉस का भी निकालना सीखेंगे, साइन कॉस जितने भी 6 के 6 होते हैं सबका निकालना बताएंगे, और वो भी आसानी के साथ बहुत ही इजी तरीके से हम निकाल लेंगे। तो हम पहले साइन का देखते हैं। तो साइन के लिए सबसे पहले हम 0 से लेकर 4 तक जहाँ तक आता है वहाँ तक लिखना स्टार्ट करते हैं, लिख देंगे। जैसे कि मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, आप देखते रहिए। जैसे यहाँ लिख दिया मैं 0, 1, 2, 3 और 4 लिख दिया। अब इसमें क्या करना है, इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें सब में हम 4 से डिवाइड कर देंगे। इसमें 4 से कर दिया, इसमें भी 4 से कर दिया, इसमें भी 4 से कर दिया, इसमें भी, और फाइनली इसमें भी 4 से कर दिया। 4 से करने के बाद इन सब पे हम रूट चढ़ा देंगे, रूट 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 रूट, सब पे रूट चढ़ने के बाद इसको हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक उसी तरह जैसे मैथ को हम सॉल्व करते हैं, सब पे रूट चढ़ा हुआ है, तो हम इसको अगर रूट से बाहर निकालेंगे तो 0 ऊपर है और नीचे 4 है, तो ये 0 ही होगा, तो यहाँ पर डायरेक्ट 0 लिख सकते हैं। इसको अगर रूट से बाहर करेंगे तो 1 का रूट 1 ही होता है और 4 का रूट 2 होता है, यानी कि 1/2 हो जाएगा। आगे समझ में, इसको अगर रूट से बाहर करते हैं तो 2 का रूट नहीं होता है, यानी कि 2 रूट के अंदर ही रहेगा, और 4 का रूट होता है, ये 2 लिख देंगे। ठीक है, अगर इसको हम रूट से बाहर करते हैं तो 3 का रूट तो नहीं होता, ये 3 रूट के अंदर रहता है, और 4 का रूट होता है, तो ये बाहर निकल जाएगा 2 बार में। अगर इसे हम रूट से बाहर कर रहे हैं तो 4 का रूट 2 होता है, और 4 का रूट 2 होता है, 2 कट के क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो फाइनली सॉल्व करने पर 1 आएगा। इतना आ गया समझ में। अब थोड़ा सा और इसको सॉल्व करते हैं। जैसे 0 को 0 लिख लिए, 1/2 को 1/2 लिख लिए, यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। ये कैसे सॉल्व करते हैं मैं इसको दिखा देता हूँ, इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। √2/2 लिखेंगे। अगर हम इसको इस तरह लिख दें, √2/2, ये √2 को हम स्क्वायर के अंदर लिखेंगे तो ये बाहर निकलेगा तो 2 ही होगा, तो हम इसको लिख देंगे √2 × √2। 2 को हम इस तरह लिख सकते हैं क्योंकि गुना करेंगे तो फिर 2 ही आ जाएगा, तो इसको इससे कट जाएगा, यानी कि बचेगा 1/√2। तो वही चीज़ यहाँ लिखना है हमें सॉल्व करने के बाद, 1/√2 बस। और √3/2 यहाँ पे भी रहेगा, यहाँ पे 1 है तो 1 रहेगा। इतना आ गया समझ में। अब ये जो वैल्यू आया अपना, ये आया साइन का, साइन थीटा का वैल्यू निकाल लिया हमने। इतना काम करने के बाद साइन का वैल्यू बहुत आसानी से हमने निकाल लिया, याद करने की ज़रूरत नहीं है, निकला हुआ है कहीं रफ में, एग्जाम में निकालेंगे इसे। ठीक है, अब निकालेंगे हम कॉस का वैल्यू। कॉस का वैल्यू बहुत मुश्किल नहीं है, कॉस का वैल्यू बता देते हैं, वो भी आसान है। कॉस थीटा का वैल्यू निकालना सीखेंगे। तो कॉस का जो वैल्यू होता है, साइन के उल्टे की तरफ से लिखते आएंगे तो कॉस का वैल्यू अपने आप लिखा जाएगा। जैसे साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 है तो कॉस 0 डिग्री का ये हो जाएगा। फिर ये वाला चीज़ उठाएगा साइन 60 वाला, साइन 30 के नीचे लिख देंगे। आ रहा समझ में, याद करने की ज़रूरत नहीं है, और याद रहे तो अच्छी बात है। फिर ये वाला वैल्यू उठा के यहीं पे लिख देंगे, फिर ये वाला वैल्यू उठा के 60 के नीचे ले चलेंगे। ये वाला वैल्यू कितना है, 1/2 है, 1/2 है, ये 0 आ जाएगा 90 के नीचे, यानी कि अब कॉस का भी वैल्यू निकल गया। कॉस 0 का वैल्यू 1 हो गया, कॉस 30 का वैल्यू √3/2 हो गया, कॉस 45 का वैल्यू 1/√2 हो गया, कॉस 60 का 1/2 हो गया, और कॉस 90 का 0 हो गया। इतना निकाल लिए। अब निकालेंगे हम टेन का।
टेन थीटा का बिल्कुल ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस थोड़ा सा समझने वाली बात है। एक फॉर्मूला होता है, आप पढ़ लिए होंगे या मिलेगा आपको, टेंथ में ही मिलेगा। जैसे होता है टेन थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। यही बस फॉर्मूला अप्लाई करना है, यानी कि टेन का वैल्यू निकालने के लिए हम साइन के वैल्यू में कॉस के वैल्यू से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा निकल जाएगा कॉस का वैल्यू। अब कैसे करेंगे, अब यहाँ दिखाते हैं थोड़ा सा, आप इधर ध्यान दीजिए। जैसे साइन का वैल्यू, साइन जीरो का वैल्यू जीरो है और कॉस एक का, कॉस जीरो का वैल्यू एक है, डिवाइड करेंगे तो जीरो हो जाएगा, यानी कि टेन का भी निकल गया वैल्यू यहाँ पर जीरो। इसी तरह इसमें इससे डिवाइड करेंगे, यानी कि साइन वाला वैल्यू में कॉस वाला से डिवाइड करेंगे, यानी कि वन बाई टू में डिवाइड करेंगे कॉस वाला वैल्यू से, यानी कि रूट थ्री अपॉन टू से। डिवाइड करने का रूल क्या होता है, अच्छा छिप गया था ये कैमरे में, डिवाइड का रूल होता है अगर इसमें इससे डिवाइड करना है तो गुना का फंक्शन में चेंज करते हैं इसे, इतना गुना, ये गुना करेंगे तो ये पलट जाएगा, यानी कि दो नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, दो अपॉन रूट थ्री हो जाएगा। अब देखो ये कट गया, वन बाई रूट थ्री आया इसका, तो ये आएगा यहाँ पे वन बाई रूट थ्री, यानी कि हमने निकाल लिया साइड, हमने निकाल लिया टेन 30 डिग्री का वैल्यू। अब टेन 45 का निकालेंगे, टेन 45 का निकालने के लिए साइन वाला में कॉस से डिवाइड करना पड़ता है, ठीक है, तो वही काम कर लेते हैं फिर से एक बार और। यहाँ पे वन बाई रूट टू डिवाइड कर देंगे वन बाई रूट टू से, साइन 45 डिग्री के वैल्यू में साइन कॉस 60 डिग्री के वैल्यू से डिवाइड करेंगे, डिवाइड करेंगे तो फिर पलटेगा, डिवाइड का रूल तो वही है, मैथमेटिक्स का जो रूल है, गुना रूट टू ऊपर आ जाएगा, पलट देंगे तो एक नीचे हो जाएगा, यानी कि रूट दो से रूट दो कर जाएगा, फाइनली एक आएगा, तो टेन 45 डिग्री का मान एक हो गया। इसी तरह हम करेंगे टेन 60 डिग्री का, टेन 60 डिग्री का करने के लिए साइन में हम कोस वाले से डिवाइड करेंगे, यानी कि साइन 60 डिग्री का वैल्यू है रूट थ्री अपॉन टू, इसमें हम डिवाइड कर देंगे वन बाई टू से। अब ये पलटेगा रूट थ्री अपॉन टू दो बटा एक हो जाएगा, इसे ये कट गया, यानी कि टेन 60 डिग्री का मान आ गया अपना रूट थ्री आ गया, इसे कट गया रूट थ्री तो बचा रूट थ्री आ गया। अब देखते हैं टेन 90 डिग्री का, टेन 90 डिग्री का मान निकालने के लिए हम साइन के 90 डिग्री में कोस के 90 डिग्री से डिवाइड करेंगे, यानी कि साइन का 90 डिग्री का मान कितना है, एक है, कॉस का जीरो है। तो कभी भी बट्टे में अगर जीरो आए, कभी भी अगर बट्टे में जीरो आ रहा है तो उसका वैल्यू होगा ही नहीं, उसका वैल्यू इन्फिनाइट होगा, अपरिभाषित होगा, क्या होगा, अपरिभाषित होगा, अपरिभाषित होगा। तो यहाँ पे इसका वैल्यू इन्फिनाइट लिख देंगे, हो गया। साइन का हमने निकाला, कॉस का निकाल लिया, टेन का निकाल लिया, अब निकालेंगे हम कोसेक का, कोसेक थीटा का वैल्यू निकालेंगे, कितना आसान है ये भी। अब कोसेक क्या होता है, कोसेक का वैल्यू जो होता है साइन का जस्ट उल्टा होता है, अगर साइन को पलट दें तो कोस मिलेगा, पलटने का मतलब इस तरह पलटा जाएगा, जैसे कि एक बटा दो है तो पलट के दो बटा एक यानी दो लिख देंगे, अगर तीन बटा चार है तो पलट के चार बटा तीन लिख दें, इस तरह से पलट दोगे तो कोसेक का वैल्यू निकल जाएगा। जैसे साइन का वैल्यू जीरो है, अगर जीरो का पलटेंगे तो हमको मिलेगा, जैसे पलट रहे हैं हम साइन जीरो को अगर पलटेंगे तो बटा में एक किसी का छुपा रहता है, जीरो को पलट रहे हैं तो बटा में एक किसी का छुपा रहता है, तो एक चल जाएगा ऊपर और जीरो आ जाएगा नीचे, यानी कि फिर जीरो नीचे आ गया, और जब जीरो नीचे आ गया तो ये अपरिभाषित हो गया, मतलब इसका वैल्यू नहीं हो सकता कुछ भी, तो इसको हम लिख देंगे यहाँ पर इन्फिनिटिव, यानी कि कोसेक का भी वैल्यू इन्फिनिटिव आ गया। फिर साइन वाला में देखेंगे, साइन 30 डिग्री का मान कितना है, तो साइन 30 डिग्री का मान है 1/2, तो 1/2 को पलटेंगे, 1/2 को कैसे पलटेंगे, 1/2 है, इसको पलट देंगे तो दो ऊपर चला जाएगा, यानी कि दो आ जाएगा, तो ये आ जाएगा दो। फिर उसी तरह हम पलट देंगे, 1/√2 है साइन 30 डिग्री का, इसको पलटेंगे तो रूट दो ऊपर चला जाएगा, यानी कि रूट दो हो जाएगा। साइन 60 डिग्री में चलेंगे, √3/2 है, √3/2 अगर इसको हम पलट देते हैं तो दो ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा। और साइन 90 डिग्री में जाते हैं, अगर एक को पलटते हैं, एक नीचे भी रहता है एक ऊपर भी है, तो यानी कि एक ही होगा। तो इसी तरह हम निकाल लिए सेक थीटा का वैल्यू। अब आता है अपना
ये कोसेक थीटा का वैल्यू निकाल लिया। अब आता है सेक थीटा। सेक थीटा जो होता है ये उल्टा होता है किसका, कॉस का। इसी तरह हम जैसे साइन का वैल्यू पलटे हैं, इसी तरह कॉस का वैल्यू को अगर हम पलट देंगे तो अपना सेक थीटा निकल के आ जाएगा। जैसे एक को हम पलटेंगे तो एक हो जाएगा, कॉस का वैल्यू तो यही है ना अपना। अब इसको रूट थ्री बाई टू को पलटेंगे तो टू बाई रूट थ्री हो जाएगा, ठीक है। अगर वन बाई रूट टू को पलटेंगे तो रूट टू हो जाएगा, नीचे वन नहीं लिखते हैं। अगर वन बाई टू को पलटेंगे तो टू हो जाएगा, नीचे वन नहीं लिखेंगे, ठीक है। अगर जीरो को पलटते हैं, अगर फिर यहाँ से देखें, यहाँ पर थोड़ा सा दिखा रहे हैं हम, तो अपना ये होगा। अगर जीरो को पलटते हैं तो बटा में एक छिपा हुआ है, पलटेंगे तो फिर जीरो नीचे आ जाएगा, यानी कि एक बटा जीरो। एक बटा जीरो का मतलब हो गया अपरिभाषित हो गया, इसका जवाब नहीं हो सकता, यह अपरिभाषित हो गया। ठीक इसी तरह हम, ये बहुत जल्दी निकल जाएगा, मैं बता रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, ये बहुत आसान है निकालना, ये बस कैलकुलेशन होना चाहिए, निकलते जाएगा अपने आप। ये सेक के बाद आता है कॉट, कॉट थीटा। अब कॉट होता है टेन के उल्टा। अब टेन का वैल्यू पलटते जाओ, अब जीरो को पलटेंगे फिर से। अगर हम जीरो को पलट, अगर हम जीरो को पलट रहे हैं तो फिर बटे में आ जाएगा जीरो, जीरो बटा एक है, पलटेंगे तो एक बटा जीरो हो जाएगा, यानी कि ये भी अपरिभाषित हो जाएगा, इसका भी जवाब नहीं होगा। अगर हम बात करें कॉट 30 डिग्री का वैल्यू, तो टेन वालों को पलटेंगे, यानी कि एक बटा रूट थ्री है तो रूट थ्री बटा एक हो जाएगा, तो बटा में एक नहीं लिखते हैं तो सिर्फ रूट थ्री लिखेंगे। अगर ये इसी, अगर एक को पलटेंगे फिर से यहाँ पे, तो एक पलटेगा तो एक ही रहेगा, पलटेंगे कोई फ़ायदा नहीं। अगर रूट थ्री को पलट रहे हैं तो वन बाई रूट थ्री हो जाएगा। अगर फिर से हम इन्फिनिटिव को पलट रहे हैं, इन्फिनिटिव मतलब किसको, इन्फिनिटिव को पलट रहे हैं मतलब हम वन बटा जीरो को पलट रहे हैं, है समझ में। वन बटा जीरो को अगर पलटेंगे तो ये हो जाएगा जीरो बटा एक हो जाएगा ना जीरो, तो ये अपरिभाषित नहीं होगा बल्कि ये जीरो हो जाएगा इसका मान। तो सबका हमने निकाल लिया। अब देखो कितना आसान है निकालना, मैंने समझा दिया सब निकालने के लिए। अब आसानी से इसी मेथड से हम निकाल सकते हैं और एग्ज़ाम में ये टेबल बना देंगे। जब ये टेबल बना देंगे तो आसानी से हम कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करना हो, क्वेश्चन सॉल्व करना हो, तो इसमें से वैल्यू हमको एक्यूरेट मिल जाएगा। नहीं तो याद होता है, कुछ भूल जाते हैं, कुछ याद रहता है, तो इसे हमको एक्यूरेट मिल जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट वीडियो देखने के लिए, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो।